नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने आए हैं द्वारका सेक्टर 11 में 3BHK विद स्टडी रूम। सेक्टर 11 की मेन मार्केट इसके पास पड़ती है आशीर्वाद चौक की। MBS इंटरनेशनल स्कूल इसके 500 मीटर की दूरी पे है। EDA का काफ़ी बड़ा पार्क है। इस सोसाइटी के बिल्कुल बैक साइड में इसके पार्क लगता है। इस फ्लैट के साथ आपको काफ़ी अच्छी बड़ी बैल्कनी मिलती है और सन फेसिंग पार्क फेसिंग बैल्कनी है। अभी हम हैं अपनी सोसाइटी के बाहर। इस सोसाइटी में 80 के आसपास फ्लैट्स हैं। 3 बेडरूम प्लस स्टडी कैटेगरी के अपार्टमेंट्स हैं इसमें। सामने आपको मार्केट दिख जाती है, लिफ्ट एरिया। एंट्रेंस में आपको लेफ्ट साइड में स्पेस मिल जाता है शू रैक का। और सामने अब हम चलते हैं अपने अपार्टमेंट के अंदर, लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के सामने काफ़ी अच्छी बैल्कनी है। धूप काफ़ी अच्छी आप देख रहे हैं अपार्टमेंट में आ रही है। डाइनिंग एरिया, इसमें 3 बेडरूम प्लस स्टडी है। लोकेशन काफ़ी अच्छी है। फ्लैट के सामने एक बैल्कनी से सोसाइटी का पार्क दिखता है, दूसरी बैल्कनी से DDA का पार्क है। काफ़ी अच्छा स्पेशियस पार्क है। आइए इसका टेरेस देख लेते हैं। काफ़ी स्पेशियस टेरेस है। सोसाइटी का रेनोवेशन का काम चल रहा है। ये सोसाइटी के अंदर का पार्क है। इसमें आपको रिजर्व कार पार्किंग भी मिलती है पर्टिकुलर इस फ्लैट के साथ। आइए इसका स्टडी रूम देख लेते हैं। इसका स्टडी रूम है। इस रूम में भी कबर्ड मिल जाती है एक आपको। आप इसको मंदिर यूज कर सकते हैं, सर्वेंट रूम यूज कर सकते हैं, जैसे भी। आइए इसका किचन देख लेते हैं। मॉड्यूलर किचन है। किचन में ही आपको अंदर ही फ्रिज का स्पेस भी मिल जाता है। गैस लाइन भी अपार्टमेंट में आई हुई है। ये एक छोटी बैल्कनी है, इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है और ये ना किचन को बड़ा भी कर सकते हैं। आइए इसका फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट बेडरूम है। इस रूम में आपको मिल जाती है एक कबर्ड। पूरे फ्लैट में मार्बल फ्लोरिंग है, रेडी टू मूव फ्लैट है। सामने आपको विंडो मिल जाती है। ये सेम वही बैल्कनी है जो भी हमने लिविंग एरिया से देखी थी। इस रूम में आपको मिल जाता है एक अटैच बाथरूम है। ये 2 रूम को कनेक्ट करता है बाथरूम। ये आप बाथरूम देख सकते हैं, ये दूसरे रूम को भी कनेक्ट कर रहा है ये बाथरूम। इस सोसाइटी की लोकेशन जो है बिल्कुल आशीर्वाद चौक की जो मेन मार्केट है उसके बिल्कुल साथ ही ये दूसरी सोसाइटी लगती है। गोकुल अपार्टमेंट है अभी जो हम देख रहे हैं। इस फ्लैट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ये कॉमन बाथरूम है और बेडरूम को भी कनेक्ट करता है। ये सामने आप डोर देख रहे हैं, ये बेडरूम से है। टोटल इसमें 2 बाथरूम है पर इसमें हम 3 बाथरूम ईजिली बना सकते हैं। ये इसका सेकेंड बेडरूम हम देख रहे हैं। प्रॉपर धूप वाला फ्लैट है। इस रूम में भी आपको एक बैल्कनी मिल जाती है। ये बैल्कनी भी 2 रूम को कवर करती है। काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है ये वाली बैल्कनी भी। फ्रंट व्यू है। कबर्ड आप देख सकते हैं इसमें बना हुआ है इस रूम में भी। आइए बैल्कनी देख लेते हैं। बैल्कनी लंबी बैल्कनी है, दूसरे बेडरूम को भी कनेक्ट करती है। व्यू आप देखेंगे पूरा, सामने पार्क का व्यू है, सामने मार्केट है। ये भी जो आप सामने देख रहे हैं ये DDA का पार्क है। लेफ्ट साइड में इससे भी काफ़ी बड़ा पार्क है जो हमने पहले देखा हुआ है। ये इस रूम के साथ अटैच बाथरूम जो भी हमने हॉल के साथ देखा था। आइए इसका 3rd बेडरूम देख लेते हैं। 3rd बेडरूम, इस रूम में भी आपको सामने देखिए कबर्ड इसमें बना हुआ है। इस फ्लैट की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। कबर्ड इस रूम में आप देख सकते हैं और ये सामने बैल्कनी है। ये वो सेम वही बैल्कनी है जो अभी हमने दूसरे रूम से देखी थी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।